नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचलों से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। यूरोपीय संघ ने दनिप्रो में रूसी हमले की कड़ी निंदा की। ईयू के अध्यक्ष स्वीडन ने कहा, रिहायशी इमारतों पर हमला युद्ध अपराध के बराबर। क्रेमलिन ने पश्चिमी आरोपों को किया खारिज, रूसी हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 36। सेना के आधुनिकीकरण और यूक्रेन को हथियार भेजने के मामले में लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच जर्मनी की रक्षा मंत्री ने दिया इस्तीफा। चांसलर ने मंजूर किया त्यागपत्र। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने जर्मनी से यूक्रेन को सभी सैन्य सहायता भेजने का किया आग्रह। नेपाल विमान दुर्घटना में मंगलवार को भी जारी रहेगा सर्च ऑपरेशन। अब भी 3 लोग लापता, अब तक 69 शव बरामद। दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिला। तीस साल से फरार इटली का नंबर एक माफिया गिरफ्तार। 12 साल के बच्चे की बेरहमी से हत्या समेत दूसरे मामलों में था वांछित। इटली की प्रधानमंत्री ने सेना और सरकार को दी बधाई, बताया देश की सबसे बड़ी जीत। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू। बैठक की थीम है एक खंडित विश्व में सहयोग। रूस यूक्रेन संकट, वैश्विक मुद्रा स्फीति और जलवायु परिवर्तन जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध में कोई कमी नहीं आ रही है। दोनों देश दनिप्रो में एक रिहायशी इलाके में हुए हमले को लेकर आमने सामने हैं। तो वहीं रूस और बेलारूस के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास ने पश्चिमी देशों को चिंतित कर रखा है। इस सब के बीच यूक्रेन को लगातार दूसरे देशों से हथियारों की मदद भी जारी है। पूर्वी यूक्रेन में जारी घमासान के बीच रूसी सैनिकों ने एक बार फिर कीव और उसके आसपास के शहरों पर कहर बरपाया। पिछले 2 दिनों में रूसी सैनिकों ने कीव, नीप्रो, खारकीव, जापोर्जिया समेत कई ऐसे इलाकों पर मिसाइलों की बारिश की जहाँ कुछ दिनों से शांति थी। हमले में इस बार रूस ने शक्तिशाली KH-22 मिसाइल का उपयोग किया जो यूक्रेन की रडार के पकड़ में नहीं आ सका। नतीजतन नीप्रो के रिहायशी अपार्टमेंट का एक भाग पूरी तरह बर्बाद हो गया, जिसमें रहने वाले अधिकतर लोग मिसाइल की जद में आ गए थे। शुरुआती आंकड़ों में मरने वालों की संख्या 30 थी, लेकिन राहत और बचाव कार्य में 6 और लोगों की लाशें बरामद हुई। हमला इतना जबरदस्त था कि राहत कार्य अभी भी जारी है। नीप्रो के मेयर के मुताबिक अभी भी कई लोगों के लापता होने की खबर है। हालांकि क्रेमलिन प्रवक्ता ने बिल्डिंग पर हमले से इनकार करते हुए कहा कि ये हमला यूक्रेनी सैनिकों के जवाब में किया गया था, उनका रिहायशी इलाकों में हमला करने का कोई इरादा नहीं था। दिन भर मुझे नीप्रो से रिपोर्ट मिलती रही है, वहाँ मलबा हटाने का काम चल रहा है, सभी आवश्यक सेवाएं शामिल है। मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जो बचाव अभियान चला रहे हैं। रूसी सेना ना तो आवासीय भवनों पर और ना ही नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमला करते हैं। हमले सैन्य लक्ष्यों के उद्देश्य से किए गए थे। यूक्रेन ने त्रासदी खुद मोल ली है। ये हमला एक जवाबी मिसाइल वायु रक्षा की कार्रवाई के कारण हुई थी। क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच रूसी सेना और बेलारूस की सेना ने संयुक्त वायुसेना अभ्यास शुरू कर यूक्रेन और पश्चिमी देशों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हालांकि बेलारूस के मुताबिक ये सैन्य अभ्यास महज रक्षात्मक उपाय के लिए किया जा रहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि ये अभ्यास पिछले दिनों यूक्रेन द्वारा बेलारूस की सीमा पर किए गए सैन्य अभ्यास के जवाब में किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच वायुसेना अभ्यास 1 फरवरी तक चलेगा। उधर यूक्रेन लगातार पश्चिमी देशों पर रूसी हमले का जवाब देने के लिए लगातार आधुनिक हथियारों की मांग करता आ रहा है। हालांकि रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को हथियारों से पाट दिया है।
इस बीच ब्रिटेन ने 14 चैलेंजर 2 युद्धक टैंक यूक्रेन को आने वाले हफ्तों में आपूर्ति करने की घोषणा की है। इस बीच ब्रिटेन की घोषणा पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए क्षेत्र में सिर्फ तनाव बढ़ने की चेतावनी दी। क्रेमलिन प्रवक्ता ने कहा कि हथियारों की आपूर्ति से रूसी अभियान की दशा और दिशा नहीं बदलेगी। वे अपने रूसी विरोधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टैंक भी बाकियों की तरह ही जलेंगे। बहरहाल यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की जंग छिड़ी हुई है। खेरसोन में रूसी सेना द्वारा पिछले 24 घंटों में की गई गोलीबारी में 3 लोगों के मरने के साथ साथ गोलीबारी में एक अस्पताल, दिव्यांग बच्चों का एक केंद्र, एक शिपयार्ड, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है। वहीं जापोर्जिया के क्षेत्रीय प्रशासन के मुताबिक रूसी सेना ने शहर के औद्योगिक बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। यूक्रेन को आधुनिक हथियारों की आपूर्ति और रूसी सेना के आक्रामक रुख से युद्ध के और तेज होने की आशंका जोर पकड़ने लगी है, जिसकी परिणति रूसी सेना के पिछले 2 दिनों के हमले से परिलक्षित हो जाती है। और इस सबके बीच जर्मनी की रक्षा मंत्री क्रिस्टीन लामरेत ने देश की सेना की आधुनिकीकरण योजना और यूक्रेन को हथियार भेजने के मामले में लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच इस्तीफा दे दिया है। पद छोड़ने का उनका निर्णय जर्मनी पर कीव के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य समर्थन में वृद्धि को मंजूरी देने के दबाव में आया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बता दें कि हाल ही में एक सैन्य अभ्यास के दौरान कई प्यूमा इन्फेंट्री टैंकों को सेवा से बाहर कर दिए जाने के बाद जर्मनी की रक्षा क्षमताओं पर सवाल उठाया गया है। और इस सब के बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री ने जर्मनी से यूक्रेन को वो सभी हथियार भेजने का आग्रह किया जो रूसी सैनिकों को रोकने में सक्षम हो। 6 जनवरी को अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन को युद्ध के मद्देनजर कई दर्जन ब्रैडली लड़ाकू वाहन देने की घोषणा की थी। इसके अलावा अमेरिका यूक्रेन को करीब $3 बिलियन की सैन्य सहायता भी भेजेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन और चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद एक संयुक्त बयान में जानकारी दी गई कि अमेरिका यूक्रेन को ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग वाहन प्रदान करेगा, जबकि जर्मनी मर्डर इन्फेंट्री फाइटिंग वाहन प्रदान करेगा। अगली खबर इटली से है। इटालियन माफिया पूरी दुनिया में कुख्यात है। 3 दशक से पुलिस को चकमा दे रहा इटालियन माफिया बॉस माटेओ मेसिना डेनारो पुलिस के हत्थे अब जाकर चढ़ पाया। देखिए इटालियन माफिया से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। करीब 3 दशक से चकमा देकर इटली के संगठित अपराध को परवान चढ़ाने वाला माफिया सरगना माटेवा मेसिना डेनारो आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। डायबोलिक के नाम से मशहूर डेनारो सिसली की राजधानी पलेर्मो से गिरफ्तार किया गया। उसे कोसा नोस्ट्रा माफिया समूह का सरगना माना जाता है। 1992 में डेनारो को अनुपस्थिति में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। फ्लोरेंस में हुए बम धमाकों में भी डायबोलिक को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। पिछले साल सितंबर में पुलिस ने कहा था कि लंबे अरसे से फरार रहने के बावजूद वो अपने गढ़ पश्चिमी सिसिली शहर के आसपास के इलाके में संगठन को चलाने का काम कर रहा है। जुर्म की दुनिया का ये बेजताज बादशाह अपहरण, हत्या, फिरौती, रंगदारी समेत अनेक मामलों में वांछित था। आज पुलिस की संयुक्त टीम ने माफिया सरगना भगोड़े माटेओ मेसिना डेनारो को गिरफ्तार किया है। उसे एक अस्पताल से गिरफ्तार किया गया जहां वो उपचार कराने के लिए आया था। इटली और उसके आपराधिक संगठनों में संगठित अपराध सदियों से इटली, विशेष रूप से दक्षिणी इटली में प्रचलित रहे हैं और कम से कम 19वीं शताब्दी के बाद से कई इतालवी क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक जीवन को भी प्रभावित किया है। 6 प्रमुख देशी माफिया जैसे संगठन हैं जो इटली में अत्यधिक सक्रिय हैं। इन संगठनों में सबसे पुराना और वर्तमान में सबसे शक्तिशाली 1500 और 1800 के बीच फला फूला। इन आपराधिक समूहों का शिथिल संघ होता है जिनमें समान संगठनिक ढांचा एवं समान आचार संहिता होती है। प्रत्येक समूह को परिवार, क्लान या कोसका के नाम से जाना जाता है और किसी एक क्षेत्र जैसे एक कस्बा, शहर का कोई भाग या गांव में एक परिवार यानी समूह की संप्रभुता रहती है जहां ये स्वच्छंद होकर अपनी गतिविधियां चलाते हैं। मुख्य रूप से सिसली में आपराधिक सिसली माफिया 19वीं शताब्दी में कुलों द्वारा गठित किया गया था जो डाकुओं के समूह को छोड़कर आए थे। इन समूहों ने स्थानीय शक्ति और प्रभाव हासिल किया। कोसा नोस्ट्रा ने मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, रैकेटियरिंग, सूटखोरी सहित अवैध गतिविधियों के संयोजन के माध्यम से अपनी शक्ति और लाभ का विस्तार किया।
1992 में कोसा नोस्ट्रा ने एक मजिस्ट्रेट और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और इससे जुड़े 4000 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि सिटी में अब इसका प्रभाव कम रह गया है। एक और माफिया समूह कोमैरिया है जो नेपल्स के आसपास केंद्रित है। समूह नकली धन समेत दूसरे अवैध काम में शामिल है। नदरंगहेता दुनिया के सबसे अमीर और सबसे शक्तिशाली संगठित अपराध समूहों में से एक है। इस समूह की संरचना बेहद चुस्त दुरुस्त है। सदस्य आपस में रिश्तेदार और सगे संबंधी हैं। पुगलिया क्षेत्र में सैकड़ा कोरोना उन्नीत सबसे बड़ा माफिया समूह है। ये समूह कैमोरिया की दक्षिण शाखा के रूप में शुरू हुआ था, जिसका गठन 1970 के दशक में कोमोरिया के सरगना राफेल कटोलो द्वारा किया गया था। और आइए अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों वाले शहर दाओस में वैश्विक नेताओं का बड़ा जमावड़ा शुरू हो गया है। बैठक में भारत के लगभग 100 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल समेत दुनिया भर के हजारों प्रतिनिधि खंडित दुनिया में सहयोग के विषय पर चर्चा करेंगे। विश्व आर्थिक मंच की पिछली वार्षिक बैठक सामान्य चलन से हटकर गत वर्ष मई में आयोजित करनी पड़ी थी। दाओस शिखर सम्मेलन आमतौर पर जनवरी में आयोजित होता रहा है, लेकिन कोविड-19 महामारी संबंधी प्रतिबंधों के कारण ऐसा नहीं हो पाया था। यूक्रेन में युद्ध जारी रहने और भू राजनीतिक स्थिति के आर्थिक दुष्प्रभावों के साथ स्वास्थ्य संकट ने इस बार की दाओस बैठक को काफी दिलचस्प बना दिया है। सोमवार से शुरू हुए बैठक के लिए अगले 5 दिनों में लगभग 50 देशों के प्रमुख शामिल हो रहे हैं। WEF की 53वीं वार्षिक बैठक का विषय एक खंडित विश्व में सहयोग है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू ए नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए। Gyal dar, tu
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। नेपाल में हवाई दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। रविवार को हुई दुर्घटना में हवाई जहाज में सवार सभी 72 लोग मारे गए, 69 शव बरामद हो चुके हैं। इस घटना के बाद न सिर्फ नेपाल में बल्कि पूरी दुनिया में नेपाली हवाई यातायात चर्चा में आ गया है। पंद्रह जनवरी दिन रविवार, नेपाल का पर्यटन शहर पोखरा, मौसम साफ था। सुबह के करीब 10:30 बजे 72 यात्रियों को लेकर काठमांडू हवाई अड्डे से उड़ा विमान अब पोखरा की हवाई सीमा में प्रवेश कर चुका था। विमान को उतरने की अनुमति मिल चुकी थी। पास के घरों में रहने वालों को भी लग रहा था कि जहाज उतरने ही वाला है, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें अंदाजा हो गया कि सब कुछ सामान्य नहीं है। फिर जहाज चट्टान से टकराया और आग के गोले में तब्दील हो गया। आवाज सुनकर लोग अपने घरों से निकल आए। पोखरा एयरपोर्ट पर उतरते वक्त विमान पुराने एयरपोर्ट और नए एयरपोर्ट के बीच सेती नदी के तट पर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था। हमने ऊपर की तरफ देखा तो आग का बड़ा गोला दिखाई दे रहा था। हमको लगा कि यह हमारे घर पर ही गिरने वाला है और हम घर से भाग गए। विमान टकराने के बाद दो हिस्सों में टूट गया, एक हिस्सा चट्टान पर ही रह गया और दूसरा नीचे गिर गया। आग इतनी तेजी से धधक रही थी कि उसकी तपिश दूर तक महसूस की जा सकती थी। मेरे पति को थोड़ी चोट भी आई है। 72 यात्रियों में से अब तक 69 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, जिसमें से 5 भारतीय भी शामिल हैं। बाकी बचे 3 और लोगों की तलाश सोमवार को भी जारी रही। सेना ने बयान जारी कर कहा है कि अभी तक उसे कोई जिंदा नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। इस ब्लैक बॉक्स के जरिए हादसे के कारण का पता लगाया जा सकेगा। वही विमान हादसे को लेकर नेपाल में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। पिछली शाम तक हमने 63 शव निकाले थे और उन्हें अस्पताल ले गए थे। हालांकि कल भी 3 शव देखे गए थे, लेकिन उन्हें निकाला नहीं जा सका था। आज हमने 6 शव निकाले और हम अभी भी लापता 3 शवों की तलाश कर रहे हैं। सरकार ने हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। पूर्व विमानन सचिव नागेंद्र घिमेरे की अध्यक्षता वाली जांच समिति को दुर्घटना की जांच करने और 45 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। गौरतलब है कि पिछले साल 29 मई को तारा एयर का एक विमान पर्वती मुस्तांग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें एक भारतीय परिवार के 4 सदस्यों समेत इसमें सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी। वर्ष 2016 में इसी एयरलाइन का एक विमान इसी मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें सवार सभी 23 लोगों की मौत हो गई थी। मार्च 2018 में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान दुर्घटना में 51 लोगों की मौत हो गई थी। सितंबर 2012 में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतरते समय सीता एयर का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। पोखरा से जोम सोम के लिए उड़ान भरते समय एक विमान 14 मई 2012 को जोम सोम हवाई अड्डे के पास हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी। पीआईबी फैक्ट चेक ने एक न्यूज एजेंसी की उस खबर का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि गंगा विलास क्रूज पटना की यात्रा के दौरान छपरा में फंस गया। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि क्रूज कहीं फंसा नहीं है और अपने निर्धारित समय पर पटना पहुंच गया है। और आइए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में बारिश और बाढ़ ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 70,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने यहां आपातकाल की घोषणा कर दी है, ये रिपोर्ट देखिए। पहले बर्फीला तूफान, अब भारी बरसात और उसके बाद बाढ़ का कहर। पिछले दो हफ्तों से अमेरिका भीषण प्राकृतिक आपदा का प्रकोप झेलने पर मजबूर है। कैलिफोर्निया में भारी बरसात के बाद आई बाढ़ ने कम से कम 20 लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी, जबकि हजारों घरों को अंधेरे में ढकेल दिया। राहत और बचाव दल ने 70,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। हालात इतने विकराल हो चुके हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन को कैलिफोर्निया में आपातकाल तक की घोषणा करनी पड़ी। बर्फीले तूफान, बाढ़ और बारिश से लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लाखों घरों में पानी घुस गया है और कई स्थानों पर सड़कों का नामो निशान तक मिट चुका है। बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रभाव दक्षिण कैलिफोर्निया में देखा जा रहा है, जहां कई लोग अब भी अपने घरों में फंसे हुए हैं। आपातकाल विभाग ने अब हेलीकॉप्टर की मदद से ऐसे ही लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया है, जिनकी जिंदगी खतरे में है। कैलिफोर्निया के गवर्नर के मुताबिक पिछले 15 दिनों के अंदर राज्य में 12 से 25 ट्रिलियन गैलन बारिश हो चुकी है, जिसके चलते 80% हिस्सा डूब चुका है। घरों में बिजली, साफ पानी की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। कई जगह सड़कें और पुल भी टूट गए हैं। मुझे पता है कि हमारे नागरिक काफी परेशान हैं, लेकिन उन्हें अगले 24 घंटे तक और सतर्क रहने की जरूरत है। कामों पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी लेते हुए अपने विवेक का इस्तेमाल करें। अमेरिका के नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक सोमवार को भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिससे कैलिफोर्निया की परेशानी और बढ़ने की आशंका गहरा गई है। इस भयावह तूफान के पीछे एटमॉस्फेरिक रिवर को जिम्मेदार बताया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग ने कैलिफोर्निया से करीब 75,000 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की योजना तैयार की है, क्योंकि भारी बारिश के बाद कई मकान या तो क्षतिग्रस्त हो गए हैं या फिर ढह गए हैं। काफी परेशानी वाला समय गुजर रहा है। यहाँ पहली बार बाढ़ नहीं आई है। पिछले दो हफ्तों में काफी बार यहाँ पानी भर चुका है, इसलिए अब यहाँ रहना काफी कठिन होता जा रहा है। पानी के बाद इतना ज्यादा कीचड़ हो गया है, जिसने असहनीय स्थिति पैदा कर दी है। यहाँ की स्थिति फिलहाल परेशानी से भरा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ये भी दिन गुजर जाएगा। नदी के किनारे रहने से बाढ़ आती है, जिससे हमें परेशानी तो हुई है, लेकिन आशा है सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। कैलिफोर्निया के इतिहास में इस बार आई बाढ़ को सबसे खतरनाक बताया जा रहा है। इससे पहले 1861 में कैलिफोर्निया में जबरदस्त बाढ़ आई थी, जिसमें 43 दिनों के अंदर 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। पिछले एक महीने के अंदर कैलिफोर्निया शहर में 8 तूफान आ चुके हैं। वैज्ञानिकों के कैलिफोर्निया और आसपास के शहरों में आए तूफान की वजह एटमॉस्फेरिक रिवर्स को मान रहे हैं। आमतौर पर एटमॉस्फेरिक रिवर ट्रॉपिकल रीजन में बनती है। वहाँ के गर्म तापमान के कारण समुद्र का पानी भाप में बदल जाता है और वायुमंडल में जमा हो जाता है। तेज हवाएं जलवाष्प को वायुमंडल की ऊपरी सतह की ओर ले जाती हैं। इस दौरान जलवाष्प किसी नदी की तरह धरती के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह तेज हवाओं के साथ चलती है, जो भारी बारिश और तूफान में तब्दील हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं विश्व संस्कृति की। आज हम आपको सैर कराएंगे जॉर्डन के ऐतिहासिक शहर पेट्रा की। कोरोना काल में पर्यटकों के न आने के कारण ये शहर भूतों के शहर में तब्दील हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे शहर कोरोना के प्रकोप से बाहर निकल रहा है। जॉर्डन का पेट्रा शहर, जहाँ की रेतीली घाटियों के आगोश में देश के शानदार पुरातात्विक चमत्कार के कई गहरे अक्ष आज भी मौजूद हैं। शहर में रौनक लौट आई है। पर्यटकों की रफ्तार ने रंग बिरंगे रंग में सजे धजे ऊंटों की चाप को गति दे दी है। कोरोना के समय में जॉर्डन का ये गुलाबी शहर भूतहे शहर में तब्दील हो गया था। पर्यटकों का आगमन रुका तो शहर पर वीरानी छा गई, और होता भी क्यों ना, पेट्रो की 90% आबादी
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन उद्योग से जुड़ी है। पर्यटकों की भारी भीड़ से स्थानीय लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई है। पर्यटक लौट आए हैं और संख्या और भी अधिक है। कोरोना महामारी के समय हमने पेट्रा में किसी को नहीं देखा। यह उस शहर के लिए एक आपदा था जहां के 90% लोग पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हो। वर्तमान जॉर्डन के अमान प्रांत में स्थित प्राचीन और पुरातात्विक शहर पेट्रा, जिसे अरबी उच्चारण में पेत्रा या अलबत्रा कहा जाता है, कई लोग इसे बेका भी कहते हैं। ये दुनिया के कई प्राचीन शहरों में शुमार होता है। पेट्रा शहर को कई पहाड़ों की चट्टानों में बसाया गया है। पहाड़ों के भीतर ही घर, मकान और पूजा स्थल बने हुए हैं। यहाँ के पत्थरों के लाल रंग की वजह से पेट्रा को रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रा लाल चोटियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से इसका रंग लाल नजर आता है। पेट्रा का नाम एक स्त्री यूनानी शब्द पेट्रोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चट्टाने। पेट्रा आधा निर्मित और चट्टानों में खुदा हुआ शहर है। पेट्रा के इतिहास की शुरुआत ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से होता है, जो नबातियन साम्राज्य की विश्व प्रसिद्ध राजधानी थी। 363 BC में आए एक भूकंप से लगभग आधा शहर नष्ट हो गया। 1862 में एक स्विस कर्ता को इसे तलाशने का श्रेय जाता है। महामारी जब चरम पर थी तो कई दिन ऐसे भी थे जब कोई पर्यटक नहीं था। अगर चीजें इसी तरह जारी रही तो हम अगले 3 से 4 वर्षों के दौरान पेट्रा में हर साल 2 मिलियन पर्यटकों की दहलीज तक पहुंच सकते हैं। पेट्रो विश्व के नए 7 अजूबों में से एक है। पेट्रो की पहली वास्तविक खुदाई 1929 में की गई थी और जुलाई 2007 में पेट्रा को विश्व के नए 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया गया। यूनेस्को ने 1985 में इसे विश्व धरोहर में शामिल करने के बाद इसे मनुष्य की पारंपरिक विरासत की सबसे महंगी पारंपरिक संपत्ति के रूप में परिभाषित किया। पेट्रा कब्रों, स्मारकों, मूर्तियों और पवित्र संरचनाओं का एक विशाल शहर है। पेट्रा में लगभग 800 नक्काशीदार कब्रें हैं। पेट्रा के आसपास की जगह में 265 वर्ग मीटर में एक पुरातत्व पार्क भी है। पेट्रा मृत सागर और लाल सागर के बीच स्थित है। संपूर्ण अरब और यूरोप जगत का ये केंद्र था जो सिल्क रूट पर स्थित है। पेट्रा रेशम और मसाला व्यापार के रास्तों के लिए एक प्रमुख जंक्शन भी था, एक प्रमुख केंद्र भी था। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।